Hey guys, welcome back to this channel. आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा अलग है. आज हम बात करेंगे ऐसे बाइक के बारे में जो उड़ीसा में बना है. अगर आप लोग मेरा पिछले साल वाला गोलेम वाला ब्लॉग देखे होगे तो आपको पता होगा कि पूरे इंडिया में जो हार्ले इंडिया है वो एक कॉम्पिटिशन चलाता है, एक कॉन्टेस्ट चलाता है. जितने भी सारे उसके आउटलेट्स हैं सबको एक चैलेंज दिया जाता है कोई भी एक हार्ले बाइक को कस्टमाइज करने के लिए. और जो बाइक सबसे ज़्यादा सुंदर दिखती है और सबसे ज़्यादा वोट जिसको पड़ती है वही बाइक जीतती है. एंड लास्ट ईयर गोलेम जो है रैंक 2 में आया था, उड़ीसा में बना था गोलेम. और इस बार भी वैसे ही एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, हार्ले इंडिया ने एक कॉन्टेस्ट चलाया है. उस कॉन्टेस्ट का नाम है बैटल ऑफ द किंग्स. तो इस बार जो बाइक इन लोगों ने बनाया है उसका नाम है स्पॉइल्ट ब्रैट. और उसका फोटो मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम में देखा था, काफ़ी सुंदर लग रही है. और अभी हम लोग जाएंगे कोनार खाले और आगे मैं आपको वहाँ पे बाइक दिखाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा. मेरे साथ है सौरभ भाई. सौरभ भाई बताएंगे इस बाइक को बनाने के लिए कितना टाइम लगा. Hi friends, this is Saurabh. We are sitting at Kunar Khale Davidson right now. And I first of all want to thank Rahul for taking out time here, trying to promote us, trying to make us win, because this is not only a bike, this is a pride of Odisha. Now coming to the custom part, this bike has been built on a Roadster 1200. It's a 1200cc Sportster family bike, Harley Davidson. And this we have termed it as Spoilt Brat. Now Spoilt Brat. Spoilt Brat. Okay. Uska matlab kya hai thoda Hindi? Spoilt Brat in Hindi is a bigda hua ladka. Right. As bad boy. Bad boy. Naughty boy. So as the name suggests, the bike has come up with the same dimensions, wherein this bike is completely full of raw power. It has a completely committed position, and this bike is very fast. Now, it took us 12 days only. Only 12 days? Only 12 days to conceptualize the bike. Okay, ये बाइक को जिसने बनाया है वो है विक्रम. अगर आप लोग गोलेम वाला ब्लॉग देखे होगे तो आपको पता होगा विक्रम के बारे में, आपको पता थोड़ा बहुत पता होगा. So let me tell you, he's a very talented guy. Absolutely fantastic. और सिर्फ 12 दिन में बनाया है? Only 12 days and that too Vikram. All credit goes to Vikram along with my entire service team who has completely supported Vikram and day in and day out, because they didn't see the time of work. They have extended their time and they have burned the midnight oil, and this product has come up fantastically well. Bike मैंने actually अभी तक सबको दिखाया नहीं हूँ. जब मैं शोरूम के अंदर एंटर किया, नॉर्मली यहाँ पे पहले सुमन काम करता था तो यहाँ पे आना जाना मेरा रहता था. और सारे बाइक्स में मैं अच्छी तरह से देखा हूँ, जितने भी सारे बाइक्स यहाँ पे हैं काफ़ी टाइम इनको देखा हूँ. लेकिन जब मैं एंटर किया मेरा नज़र सिर्फ वो स्पॉइल्ड ब्रैट के प्री था. फैंटास्टिक. लगा सिर्फ 12 दिन के अंदर इसको बनाना. ओनली 12. दिस इज वेरी कमेंडेबल थिंग. यस यस, ऑल थैंक्स टू माय टीम विक्रम अलोंग विद माय सर्विस टीम. वेरी टायरिंग जॉब, हाउएवर दे हैव डन इट रिलेंटलेसली वेल. And I appreciate the entire team. The product is, the outcome has come up really good. And this is the pride of Odisha, guys. And this is the time to vote. Rahul, with your support, with your blog. बाकी voting वगैरह के बारे में बता दूंगा, वो description box में वो link दे दूंगा. और इसका QR code भी आ रहा है. It has a QR code. वो मैं Instagram में अभी story में दे दूंगा, आप वो QR code भी scan करके उसको vote कर सकते हो. Fantastic, Rahul. Thanks. आप लोगों की मदद चाहिए. आप लोग उड़ीसा से हो, बाहर से हो, अगर आप लोग मुझे प्यार करते हो, मैं अपने उड़ीसा वासी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको बोलता हूँ, प्लस बाहर के भी जितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी बोलता हूँ कि इसको वोट करने के लिए. थैंक यू सो मच राहुल. अभी गाड़ी दिखाते हैं. ग्रेट. Closing up.
सो ही सबरेज सबरेज हमको बताएगा इस बाइक के बारे में, जो स्पॉइल्ट ब्रैट है उसके बारे में बताएगा थोड़ा बहुत जो भी जानकारी है जी. तो सबरेज पहले मुझे तो पता चला कि ये बस 12 दिन में ही बनी है और दिन रात मेहनत करके तुम लोगों ने इसको बनाया है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहते हो तो बता. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैटल ऑफ द किंग्स के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा. दिस इज एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड इंडिया में देयर आर. अच्छा ये जो कॉम्पिटिशन हो रहा है वो इंडिया में ही हो रहा है ना? दिस इज ये कॉम्पिटिशन फिलहाल इंडिया में है. सो इंडिया के बाद इंडिया का जो विनर होगा दैट विल कम्पीट इन द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन ऑल्सो. ओके सो ये जो बाइक हमने बनाया हुआ है दिस इज बेस्ड अपॉन द रोडस्टर 1200 एंड उस पर उसको लेते हुए हमने उसमें बाकी सारे मॉडिफिकेशंस किए हुए. इफ़ यू लुक एट हियर एट द बाइक वी हैव एडेड क्लिप ऑन हैंडल बार्स. अच्छा क्लिप ऑन हैंडल बार. कलर मैच द पेंट जॉब विद द. ये बहुत सुंदर लग रही है ऑरेंज और ब्लैक जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी गजब कॉम्बिनेशन. और एक डिटेल यहाँ पे भी हम लोग पुली को भी ऑरेंज पेंट किए हुए. सो व्हेन इट स्पिन्स इट्स रिम्स भी ऑरेंज ब्लैक एंड कलर में है. लोगों ने वैन्स एंड नाइन्स के एग्जॉस्ट लगाया हुआ है ग्रीन रेड. ओके वैन्स एंड नाइन्स दिस इज व्हाट इज एडिंग टू द लुक आल्सो एंड इट साउंड्स रियली अमेजिंग एंड वी हैव इंस्टॉल्ड अ बेली पैन आल्सो. अच्छा ये वाला जी. अच्छा ये जो बेली पैन है आई थिंक पहले इसमें आता था नाइट रॉड में राइट? नाइट रॉड में देयर वाज अ डिफरेंट बेली पैन. हां बट बेनी और किसी हार्ले में तो नहीं है ना? मतलब करंटली करंट जनरेशन हार्ले में यू हैव द श्राउड रेडिएटर श्राउड ऑन द स्ट्रीट. ओके इस तरह का बेली पैन नहीं है ना? बेली पैन किसी और में नहीं है. दिस इज समथिंग यूनिक एक्चुअली. दैट इज कंप्लीटली यूनिक. वी हैव एडेड फ्यू टचेस आल्सो लाइक हियर हम लोगों ने की इधर ले आया लेफ्ट साइड में ले आया. तो ये चाबी उल्टा तरफ चलता है क्योंकि वो इस तरफ आ गया इसलिए राइट? यस एब्सोल्युटली. ओके यहाँ पे क्लच कवर ये आपका विली जी डेविडसन नंबर 1 का क्लच कवर लगाया हुआ है एंड यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने इसका सीट सिंगल सीटर कर दिया है. दिस सीट बिलोंग्स ऑन अ 48. तो 48 का जो सीट है वो इसमें लगा हुआ है जी. और ये काफ़ी अग्रेसिव पोजिशन में है. मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ उसके ऊपर. ये काफ़ी एग्रेसिव पोजीशन में है. आई कैन सी इट्स लाइक दिस. नॉर्मल हार्ले जो होता है वैसे होता है लेकिन ये थोड़ा एग्रेसिव है और थोड़ा स्पोर्टी फील दे रहा है कि एंड ये जो फील है ना कुछ अलग ही फील है एक्चुअली. मुझे चलाने का बड़ा मन कर रहा है लेकिन बाहर बारिश हो रही है तो चला नहीं सकता. लेकिन आई थिंक 2-3 दिन अगर आऊँगा और इसको एक बार चलाऊँगा. अगर ये बाइक इंडिया में जीतती है तो इंटरनेशनल लेवल में इंडिया को भी रिप्रेजेंट करने वाली है. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको वोट करो. वोट करने का तरीका भी बहुत इजी है. बस मैं एक लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आपको बस क्लिक करना है नेम एड्रेस और ईमेल आईडी वगैरह भर के सबमिट करना है और कुछ ज़्यादा हचपच वाला काम नहीं है. तो कोशिश करते हैं इसको जिताने के लिए. अगर हम लोग इसको जिताते हैं तो डेफिनेटली पूरे इंटरनेशनल लेवल में उड़ीसा का नाम रोशन होगा. लोग जानेंगे कि ये बाइक कहाँ बनी है तो डेफिनेटली उड़ीसा का नाम आएगा और हमारा नाम रोशन होगा. हमारा उड़ीसा का नाम रोशन होगा. तो डू वोट गाइस. और आज के लिए बस इतना है. मिलते हैं अगले ब्लॉग में. राइड सेफ राइड विद कियास.